बाद देखिए बच्चों, बैलगाड़ी में भी बैठना आपको पसंद आता है, हवाई सफर तो आप सब भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और कौन कौन से सफर होते हैं, बस में बैठना आपको अच्छा लगता है, और मतलब घुड़सवारी, कार में बैठना, अपने पापा के स्कूटर पर बैठना और घूमना, सभी को अच्छा लगता है ना। जब कभी भी हमें मामा के गाँव जाना हो, चचेरे भाई के गाँव जाना हो, या चाचा के घर जाना हो, या नाना नानी के घर जाना हो, तो हम पहले तो सफर करके जाते हैं ना। तो हम किस में सफर करते हैं? सफर करते समय कोई कोई किस में जाता है? कार गाड़ी में बैठ के जाता है, तो कोई हवाई सफर करके जाता है, तो कोई बस में सफर करके जाता है, और किस किस में आप सफर करते हैं? तो आप रेलगाड़ी में भी जाते हैं ना। ये देखिए रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी में सफर करना तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम जैसे घर में बैठे हैं ना, ऐसे बड़े आराम से रेलगाड़ी में जा सकते हैं ना, तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है। और ये जो रेलगाड़ी है वो कैसे चलती है? झुक झुक गाड़ी, हम उसे क्या कहते हैं? झुक झुक गाड़ी। तो बच्चों, आज मैं आपको हमारा पहली कक्षा का जो छठा पाठ है या छठी कविता है, जिसका नाम है रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो जिस कविता का नाम है झुक झुक गाड़ी। हम सभी बच्चों को कविता भी अच्छी लगती है, झुक झुक गाड़ी, मराठी में हमने देखी होगा झुक झुक गाड़ी, अशी पड़ गाड़ी, तो हमें जो झुक झुक गाड़ी होती है ना, हम ना उस पटरी पर जाकर देखते हैं, जब हमें आवाजें आती है ना रेल की आने की, तो हम क्या करते हैं, पटरी पे जाके खड़े रहते और देखते हैं अब क्या आने वाली है, ये जो रेलगाड़ी है वो आने वाली है। और ये जो रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं ना, ये हम डिब्बे गिनते हैं, देखो एक डिब्बा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और हमें ये सब ना बहुत अच्छा लगता है, रेलगाड़ी को आते समय देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, वो आवाज़ कैसी करती है, धक 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 धक, घू 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 घू, तो हमें इसकी आवाज़ें भी पसंद आती है ना। तो बच्चों, आज मैं आपको ये जो झुक झुक गाड़ी कविता है ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं इस कविता में, ये देखिए यहाँ पे पन्ना नंबर 50 पे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या बनाई है? झुक झुक गाड़ी बनाई है। हम भी क्या करते हैं, खेल खेलते समय क्या करते हैं, झुक झुक गाड़ी बनाते हैं ना, एक के हाथ में पकड़ते हैं, नहीं तो उसका कुछ कुर्ता हो तो कुर्ते को पकड़ते हैं पीछे से, और अच्छी तरह से हम झुक झुक गाड़ी बनाते हैं, और झुक झुक गाड़ी में हम क्या करते हैं, आगे दौड़ते जाते हैं। पहले वाला क्या होता है, इंजन होता है ना इसका, तो ऐसे करके हम गोल 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 सर्कल करके हाँ झुक झुक गाड़ी बनाते हैं। और हमें मेले में जो आती है ना झुक झुक गाड़ी में बैठना, तो बहुत पसंद होता है, वो ऐसे 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 सर्कल करके घूमती है, हमें उसमें भी बहुत मजा आता है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम कब झुक झुक गाड़ी में बैठेंगे, कब झुक गाड़ी में, रेलगाड़ी में बैठेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यही आपको झुक झुक गाड़ी कविता है, इसका मैं पहले आपको वर्णन करके बताती हूँ, और इसके बाद मैं आपको स्पष्टीकरण करती हूँ, पहले मैं इसका पठन करती हूँ। छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं न जाऊँ फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल, छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल, धक 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 धक, धू 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 धू, भग 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 भग, भू 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 भू, झक 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 झक, छू 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 छू, करती आई रेल, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल, छोटी मेरी रेल बाबू, छोटी मेरी रेल, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देता फिरता टीटी, सटी हुई बीटी से बीटी, करती पेलम पे, छोटी मेरी रेल बाबू, छोटी मेरी रेल। मतलब ये जो रेलगाड़ी है ना, इसका पहले तो क्या होता है, एक छोटा बच्चा है, उसने उन्होंने क्या की है, रेलगाड़ी बनाई है, और वो क्या गाना गा रहे, छोटी मेरी रेल रे बाबू, मतलब हाँ हमारी जो रेलगाड़ी है ना वो छूट गई है स्टेशन से, और सभी लोग हट जाओ भैया, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं जानूंगा, आप क्या करेंगे, नहीं तो फिर इस रेलगाड़ी से ऐसे टकरा जाएंगे, इसलिए आप हट जाओ रास्ते से, इसलिए वो क्या बोल रहा है, मेरी रेलगाड़ी छूट गई है, आप क्या कीजिए, रास्ते में बीच में मत आइए, ये जो मेरी रेलगाड़ी है ना, नहीं तो आपको ऐसे टकरा जाएगी, मैं कुछ नहीं जानता, अगर आप टकरा गए तो आप गिर जाएंगे, आपको लगेगी, ये सब मैं नहीं जानता। धक 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 धक, मतलब ये जो रेलगाड़ी का इंजन है ना, वो चलते समय कैसे धक 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 धक, धू 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 धू, भू 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 भू, ऐसे आवाज निकालता है, और मेरी ये जो रेलगाड़ी है ना, भागते हुए बड़ी अच्छी तरह से आ रही है,
इसके बाद इंजन इसका भारी भरकम, ये जो इंजन है ना इसका ये भारी भरकम है और इसमें से गम 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 ऐसा धुआं निकलता है ना, ऊपर हम देखते तो हमें धुआं निकला हुआ दिखाई देता है। तो उसी प्रकार ये जो छोटे बच्चों ने जो रेलगाड़ी बनाई ना इसका भी ये देखिए इंजन, पहला वाला जो लड़का है ना वो भी भारी भरकम है ना, बहुत ही अच्छा तगड़ा बच्चा लिया गया है और ये कह रहे हैं कि इंजन इसका भारी भरकम बढ़ता जाता गम 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 धम 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 ऐसी वो आवाज करता है। हमें भी मालूम है ना बच्चों जब रेलगाड़ी जाती है तो पटरी पर भी ऐसे आवाज होती है ना, पटरी की आवाज भी हमें सुनाई देती है, जब रेलगाड़ी जाए ना तभी भी हमें आवाज सुनाई देती है, इसलिए कहा गया है धम 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 गम 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 ऐसी आवाजें करती हुई ये जो हमारी रेलगाड़ी है ना वो आ रही है, इसलिए आप हट जा जल्दी से हट जा ऐसे कह रहे हैं। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, मतलब गार्ड होता है ना वो क्या करता है पहले स्टेशन पर सीटी देता है, सीटी देने के बाद वहां पर क्या होता है सुनो गार्ड ने दे दी सीटी टिकट देखता फिरता टीटी। रेलवे स्टेशन पे कौन कौन होता है एक झंडा लिए हुए क्या होता है आदमी भी होता है ना वो सीटी देता है, सीटी देने के बाद ही वो क्या होती है रेलगाड़ी आती है। और कौन होता है टिकट देखने के लिए, तो टिकट कौन देखता है बच्चों टिकट हमें कौन देता है, आपके पास टिकट है कि नहीं ये कौन देखता है तो टीसी या टीटी आता है ना उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो टीटी कहा गया है और हम टीसी भी उसे कह सकते हैं ठीक है टीटी, लेकिन इस कविता में उसे तो टीसी टीटी कहा गया है, तो टीसी और टीटी एक ही है शब्द लेकिन यहाँ पे टीटी कहा गया है। तो हमारा टिकट कौन देखता है रेल स्टेशन पर, तो हम ऐसे वैसे भी अगर हमें घूमना होता तो हमें टिकट निकालना पड़ता है, टीसी वहां पे आता है कहता है आपकी टिकट कहाँ पे है, तो इस रेल स्टेशन पे कौन आया है पहले तो जो गार्ड होता है ना झंडा लहराता है वो आया है वो सीटी बजा रहा है, इसके बाद कौन आया वहां पे तो टीटी आया सटी हुई टी से टी करती पेलम पेल, मेरी जो रेलगाड़ी है ना यहाँ से वहां जा रही है घूम रही है ठेलम पेलम पे घूम रही है और ये जो मेरी छोटी रेल है ना वो क्या कर रही है अभी आ रही है, तो आप सभी हट जाइए ऐसा इस कविता में बताया गया है बच्चों। तो आपको ये जो झुक झुक गाड़ी कविता है बहुत ही पसंद आई होगी बच्चों, तो आपको भी क्या करना है घर पर ऐसे ही अच्छी तरह से अपने बहनों को लेकर क्या करनी है रेलगाड़ी बनानी है और गाना भी साथ में गाना है छोटी मेरी रेल बाबू छोटी मेरी रेल। तो आपको ये कविता खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए और अच्छी तरह से इस कविता को समझिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।